फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पदमश्रीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं? तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, और अभी ना मैं जा रही हूँ मॉल। जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि है ही कुछ ऐसा काम, सो मैं वो चेंज करा के आती हूँ। आके शाम की चाय वगैरह पियेंगे। तो अभी मैं यूँ जाती हूँ, यूँ आती हूँ। चलिए मेरे साथ चलेंगे आप। अभी मैं ना स्टोर 99 में आई हूँ। मैं जब भी आती हूँ तो एक राउंड तो यहाँ जरूर लगाती हूँ, कुछ लेना हो या ना लेना हो, कुछ ना कुछ नया तो मिल ही जाता है हर बार। Hey friends, welcome back again in new vlogs. So, अभी शाम की चाय का टाइम हो गया है और सुबह मूंग दाल चिले बनाए थे, जो माही के तो फेवरेट है। माही को तो हमेशा जब भी पूछो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मामा चिले खाने हैं पनीर वाले। तो सुबह बनाए थे, सो कुछ बैटर बच गया था, फिलिंग भी बच गई थी, सो वही बस अब चाय के साथ दे दूंगी। और सनी भी आ रहा है, मम्मा मुझे खाने हैं। और अभी देखो सनी का कुछ दिखाती हूँ। अभी ये होमवर्क कर रहा था, बहुत शैतान बच्चा है। ये देखो फेस देखो इसका ये ऐसे ही करता है, जानबूझ के अपने बना लेगा होमवर्क करता करता, ताकि मम्मा मुझ पे ध्यान दे और बोले ये क्या किया है सनी ने। तो कितना क्यूट बंदर लग रहा है ना, ये देखो शैतान शक्ल से झलक रही है शैतानियत। तो चिल्ला लेना है, अभी देखती हूँ। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया होमवर्क। टैब की बैटरी खत्म हो गई, तो उसको चार्ज करो, चार्ज लगाओ उसे। और आज मैंने ना सिर्फ मूंग दाल के बनाए, चावल नहीं भिगोए थे रात को, सिर्फ मूंग दाल के, तो वो भी काफी अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो मूंग दाल खत्म हो गई थी इसमें, क्योंकि मैंने रात को दो कटोरी भिगो दी थी, तो वो भी डाल दिया है। बेटा रुको, आपसे नहीं होगा, सनी नीचे गिर जाएगा। ये देखो कुक बन रहा है, ये इसको बड़ा मजा आता है बीच में। मैं भी करूंगा करने में। बन गया ना, लाओ ऐसे नहीं गिर जाएगा वो नीचे। तो सनी आज मुझे अपने हाथों से चिल्ला बना के खिलाएगा, कि मैं इसके लिए बना रही हूँ तो ये मेरे लिए। देखो इसका तैयार है, लेके नहीं जा रहा खाने के लिए, ये बनाएगा मेरे लिए। बेटा उसको ऐसे नहीं करते सनू, बार बार पहले उसको पकने दो एक साइड से अच्छे से।
ये देखो इधर से हो गया, इधर से होने दो। चलो आप अपना खा के बताओ कैसा है। वैसे सुबह बता दिया था तुमने कैसा है। इतना छोटा चींटी हो। और आज मैंने मशीन दो बार चलाई थी क्योंकि कल नहीं चलाई थी ना, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, इसलिए इनको फोल्ड करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है इसकी, पौधे की। तकरीबन सभी प्लांट्स बहुत मुश्किल से ना, गर्मी में इनकी हालत ही कुछ इतनी ख़राब हो गई है बेचारों की। एरिका पाम देखिए कैसे सूख गया धूप में बिल्कुल। बड़ा दुख होता है इनको देख के, क्या करूं पर। और ये अंदर वाले हैं ना, वो भी पता नहीं, कुछ प्लांट्स ज़्यादा पानी डाल दो तो गल जाते हैं, और ना डालो तो एक ही दिन में अगर आपने सुबह पानी डाला ना, शाम तक उनकी जान निकलने लगती है। सो प्लांट्स को बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है पा रहे हैं इस गर्मी में ना। इतनी गर्मी हो रही है हरियाणा में और बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत प्लांट्स के लिए स्पेशली बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग तो फिर भी एसी वेसी चला के बैठे रहते हैं सारा दिन, बट मेरे जो प्लांट्स हैं उनके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और अब तो मैं तभी नए प्लांट्स लाऊंगी जब बारिश हो जाएगी और कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा। और अभी आया है दूध, और क्योंकि वैसे तो हमारे डेयरी से आता है बट जिस दिन मावस होती है ना तो खीर मम्मी हमेशा ये वाले दूध की बनाती हैं, तो अमूल का तो मिला ही नहीं है, सरस का मिला है। 3 थैली दूध आ गया है, इसकी सुबह खीर बनेगी क्योंकि कल मावस है, तो मावस वाले दिन हमारी जो सोसाइटी में जो शॉप होती है ना तो उस पर दूध ख़त्म हो जाता है शाम को ही, या तो आपको जल्दी लेना होता है, इसलिए काफ़ी दूध से आया ये दूध। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, पहले इनको वॉश कर देती हूँ फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और डिनर का प्रोग्राम आज कुछ हो रही है, बच्चों का पार्टी करने का मन है, तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आएगा तब खाएंगे। और आज तो मैं फ्री हो गई, फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं है, 3-4 बार नहाता है और गाने गाते गाते नहाता है। शावर नहीं चल रहा तेरा, क्या हो गया, शावर ख़राब हो गया? तुमने शावर भी ख़राब कर दिया, इतना नहाता है।
सबसे ज्यादा दिन में चार चार बार कपड़े बदलता है, नीचे खेलने जाएगा, फिर आके नहाएगा, सुबह नहाएगा, फिर दोपहर में नहाएगा, सारा दिन नहाता है माई गाने गाता हुआ। जैसे गाने गा रहा है, हाँ मिल गया ले आए, हाँ अमूल नहीं मिला, सरस मिल रहा है, सरस का पीला पीला दूध, गाय का दूध होगा मम्मी, फिर वो पीला पीला। माई के गाने बहुत शौक करता है माई, जब नहाता है तो फुल एंजॉय करता है, और शावर भी खराब कर दिया उसने तो तुम हिलोगे तो दिख जाएगा कुछ भी। बम्पे स्टेपलर चल गया, बम्पे स्टेपलर मार लिया। वाओ ये देखो ऐसे काम करता है ये सिक्स क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। ये लो माही पिछले मैं पूरा ही ओढ़ लूंगा। ची 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 चुप 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 चुप, पारी तो बनती है ना। अब आराम से, इतना हैवी बैग है सनी का ना, इतना होमवर्क आता है सनी का, इतना होमवर्क आता है सनी का रिटर्न कि बस इससे रिटर्न ही नहीं होता है, कभी कंप्लीट नहीं करके रखता रिटर्न। और जितना रिटर्न है उतना लर्न है, जितना लिखा हुआ उतना लर्न है। और अभी ना बेड की वो वाली लाइट ऑन करूँ, बहुत अच्छी लगती है रात को, कपड़े ये अच्छे लग रही है ना। और मुझे यही लाइट बड़ी सूदिंग सी लगती है, अभी तो इसने पढ़ना है तो मुझे बड़ी लाइट ऑन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये लाइट में ना इतना अच्छा लगता है, एसी चलता है ठंडा ठंडा, मजा आ जाता है। पार्टी हो रही है आज तो, और ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा और हमारी पार्टी। चाय है ना हर्ब्स वगैरह के, इनको मैं रख देती हूँ, यूज आ जाते हैं ये। और मैं बता रही ना हर्ब्स और ये चिल्ली फ्लेक्स तो मैं हर चीज में ही डालती हूँ तकरीबन, चिल्ले बनाए तो, पास्ता बनाए तो इनको हम रखते हैं। पहले के भी हैं इसमें कुछ पूरे, इसमें आइसक्रीम बॉल है ये मैंने इटली से लिए थे। पेट फुल हो गया है अभी तो, थोड़ी देर बाद बस दूध पियेंगे। और ये माही का टैब देखो यहाँ रखा है, बच्चे कहीं भी कुछ भी रखते हैं, बच्चों के घर में आप कभी भी ना मतलब घर को ऑर्गेनाइज मैनेज नहीं कर सकते, हर चीज़ हर सेकंड में कहीं ना कहीं बिखरी हुई मिलेगी, इधर 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 से निकलोगे तो यहाँ पे चार चीज़ें बिखरी हुई मिलेंगी, और उधर से निकलोगे तो चार चीज़ें उधर बिखरी हुई मिलेंगी, क्योंकि दोनों का यही काम है सारा दिन चीज़ें इधर से उधर फैलाना। आज का दिन तो ख़त्म हो गया,